आली जनाब अकबरुद्दीन अवेसी साहब हर साल अपने अवेसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस पर AIMIM की मोहर लगाकर मुसलमानों को ये बताते थे कि अकबर साहब के फ्री एजुकेशनल स्कूल्स AIMIM का कारनामा है, और हर साल हम भी हक कहते रहे कि नहीं, ये AIMIM का नहीं बल्कि अकबर साहब का खुद का कारनामा है, और वो स्कूल्स AIMIM के नहीं है बल्कि अकबर साहब के खुद के है जो सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए से चलाए जाते हैं। हमारे बार बार कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब ने इस बात को कबूल किया और जलसे तकारीर के जरिए यह साफ कह दिया कि हाँ, वो स्कूल्स AIMIM के नहीं है बल्कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं जो खुद अकबरुद्दीन अवेसी चलाते हैं। इसी तरह अवेसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस पर से AIMIM का ब्रांड निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी चंद हकायक ऐसे है जिसे अकबरुद्दीन अवेसी साहब को तस्लीम करते हुए मुसलमानों को बताना होगा। वो लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया 65 बरस के सफर के आगाज के वक्त 1156 का खर्च था तो जुमला आमदनी 7015 रुपये थे और खर्च 7165 रुपये का था, और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे हजारों करोड़ में हैं। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर 1156 रुपये का खर्च था और आज 10,000 करोड़ से ज्यादा के असासे है। तो सबसे पहले मुसलमानों को यह बताइए कि 65 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी कैसे हो गई? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई कारोबार, दुकान या धंधा तो नहीं करती, ना कुछ बेचती है और ना पॉलिटिकल पार्टी से आवाम कुछ खरीदती है। तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 65 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कैसे और कहां से की, और ये हजारों करोड़ के असासे तकरीरों के अलावा कहां पर दर्ज है? 65 साल में 10,000 करोड़ यानी हर साल 155 करोड़ और हर महीना करीब 13 करोड़ की आमदनी एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे हुई? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 65 साल से क्या कारोबार कर रही, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही, और इसे कौन खरीद रहे हैं जिसे हजारों करोड़ का फायदा हुआ? और एक बात आप मुसलमानों को जरूर बताना कि 65 साल से मुसलमान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को वोट क्यों दे रहे? अपनी फलाह, तरक्की, सहूलतें, सुकून की जिंदगी और डेवलपमेंट के लिए वोट दे रही, या फिर लीडर्स के जाती कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बैंक्स के कारोबार, जमीनात, शादी खाने और बिल्डिंग्स खड़ा करने के लिए वोट दे रही? ये इमारतें, इन इमारतों की बुलंदी चीख कर चिल्ला कर बयान कर रही है कि कितनी दियानत, कितनी ईमानदारी और इखलास के साथ 65 बरस के सफर को मजलिस ने तय किया, और इन वीरान मैदान को आबाद किया तालीमी दर्जगाहों के जरिए। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इस तरफ MBA, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो इसके इधर बगल में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, MPharm है, ME है, MBA है, MCA है, BPharm है, फार्मा डी है, आर्किटेक्चर है। सर, इमारतों की बुलंदी बता रही है कि ये कारोबारी इदारे है, फैमिली बिजनेस एम्पायर है, लेकिन हर साल आप कुछ और ही बताते हैं। ये तालीमी इदारे, ये इमारतें, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, MPharm, ME, MBA, MCA, BPharm, फार्मा डी, ये सब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम पर कहां है? और इन सब से मुसलमानों को आज तक क्या फायदा हुआ? हमने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट्स बैलेंस शीट और इनकम टैक्स चेक किया, जिसमें ना तो 10,000 करोड़ के असासों का जिक्र है, ना ये इदारे दर्ज है। आप तकरीरों से हजारों करोड़ की बात बता रहे हैं,
लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ऑफिशियल अकाउंट्स, ऑडिटर्स और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी साहब और डिपार्टमेंट्स के दस्तखत के मुताबिक मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के पास एक रुपया भी नहीं है। जी हां, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को 10 साल से हर साल कभी 1 करोड़ आए तो कभी 2 करोड़ आए और फिर उसी साल पूरे खर्च हो गए, 1 रुपया भी नहीं बचा, यही बताया गया। तो फिर हर साल आप जो इदारे, बड़ी बड़ी इमारतें और हजारों करोड़ के असासों का जिक्र कर रही, वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नाम पर तो नहीं है। आपकी बात को मानना या पार्टी की बात को मानना, आपकी तकरीर को मानना या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की अकाउंट्स रिपोर्ट को मानना जिस पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की भी साइन है, ये सारे कारोबारी इदारे और हजारों करोड़ के असासे दर हकीकत किसके नाम पर है, ये आप खुद मुसलमानों को बता दीजिए। आप बार बार ये भी कहते हैं कि यह सब मुसलमानों का है, तो फिर बताइए कि 65 साल में इन कारोबारी इदारों से क्या आमदनी हुई, कितना मुनाफा हुआ और वो सब किसके नाम पर है, किसके अकाउंट्स में है, इससे मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचा? अगर ये मुसलमानों के है तो क्या आपने मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया या फिर सिर्फ तकरीर में बोल बचन की बात है? इन सब कारोबारी इदारों का पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से क्या ताल्लुक और मुसलमानों पर एहसान कैसा? और जब सियासी इंकलाब आया, सियासी मौके आए, तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के खयाम की इजाजत हासिल की। जब मौका आया तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। दस्तूर ने जो इख्तियार दिया मुसलमानों को अपने तालीम अखलियतों को, बशमूल मुसलमानों को अपने तालीमी इदारे कायम करने का, उसको चलाने का, उस दस्तूर के हुकूक को हासिल किया और उसके जरिए दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज का खयाम अमल में लाया। मजलिस का जब दारुसलाम मिला तो सबसे पहले ओएसी आईटीआई सेंटर कायम हुआ। मिला सबसे पहले तो ये इधर इधर सीधे हाथ पे जो इमारत है इसका नाम नूर महल है, तो इस नूर महल में स्कूल का खयाम अमल में लाया था मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने। मजलिस सिर्फ सियासत सियासत नहीं पुकारती, मजलिस ने काम किया, वहां स्कूल बनाया, वहां आईटीआई सेंटर बनाया और उसके बाद में यहां पे मलगियां बनाई बाहर, उसके जरिए मजलिस का काम का आगाज हुआ। आज ओवैसी हॉस्पिटल खुद बता रहा है, उसकी बुलंद इमारत बता रही है कि हमारे इरादे कितने बुलंद थे, हमारा अज़्म कितना बुलंद था, हमारा मकसद कितना बुलंद था। आपके इरादे, आपका अज्म, ये सब आपका फैमिली बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के काम में आया। बेशक जब सियासी मौके आए तो हर मौके पर जमीनात और ऊंची इमारतें खड़ी हुई, बेशक मुसलमानों के नाम पर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज लिया गया, लेकिन ये सब सियासी मौकों के मुसलमानों के नाम पर लिए गए इदारे, ना कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ना एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, ना मुसलमानों के लिए फ्री और कोई फायदामंद है। इसी तरह दारुसलाम बैंक भी है जिसका आप कभी जिक्र नहीं करते। क्यों दारुसलाम बैंक को अपने आप से और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से अलग करे हुए हैं आप, जबकि दारुसलाम बैंक भी अवेसी फैमिली बिजनेस एम्पायर का एक हिस्सा है। खुद सालारे मिल्लत इस बैंक के फाउंडर है असदुद्दीन अवेसी साहब चीफ पैट्रॉन और आप खुद चीफ एडवाइजर है। ये वही इदारा है जहां ओल्ड सिटी के मुसलमानों का जर जेवर जमीन जायदाद 15 से 25% सूद पर गिरवी रखा हुआ है। क्यों नहीं कहते आप कि यह भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कारनामा है और मुसलमान कौम पर एहसान है? क्या फर्क है बड़ी बड़ी इमारतों के इदारे, दवाखानों और दारुसलाम बैंक में? कुछ नहीं, सब अवेसी फैमिली बिजनेस एम्पायर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कारोबार है, बिजनेस है, धंधा है, जो अवाम से करोड़ों रुपया लेकर मुनाफे पर चलाए जाते हैं। इन सब के मुनाफों का ना मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को फायदा है और ना तो मुसलमानों को। तो फिर ये सब अवेसी फैमिली कारोबारी इदारों को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से जोड़कर मुसलमानों पर कैसा एहसान जता सकते हैं आप?
कॉन्स्टिट्यूशन और खवानीन के हिसाब से, पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन आप हर साल अवैसी फैमिली बिजनेस के कारोबारी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहकर मुसलमानों के लिए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, जिसका ना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है और ना तो मुसलमानों से। असद साहब कुछ कहते हैं और आप कुछ बताते हैं। हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। क्या ये कामयाबी वो कारनामा नहीं है? ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल, ये दोनों भी कारोबारी इदारे है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, धंधा है, जो अवाम की जेब से पैसा निकाल कर चलाए जाते। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी और एक बड़ा कारनामा है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके फैमिली बिजनेस की कामयाबी है, आपके फैमिली बिजनेस के लिए बड़ा कारनामा है। नसीबे मिल्लत बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की खयादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। असद साहब की खयादत में आपके फैमिली हॉस्पिटल बिजनेस में 1200 बेड्स तक कामयाबी पहुंच गई, तो आपको बहुत मुबारक, क्योंकि जितने बेड्स बढ़ेंगे उतना आपके कारोबार में मुनाफा होगा। कोई मुसलमान अगर आकर आपके दवाखाने के एक बेड पर पड़ गया तो मिनिमम 25 से 50 हजार रुपये दिए तक वो बेड से नीचे नहीं उतर सकता। 1200 बेड्स का मामूली तौर पर हिसाब लगाएं तो एक दिन का आपको 6 से 10 करोड़ का मुनाफा है, जो बेशक मुसलमान की ही जेब से निकलेगा। असद साहब की खयादत में आपके फैमिली बिजनेस को हर रोज करोड़ों रुपए का मुनाफा है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर और मुसलमानों पर एहसान कैसा? 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में, ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500-4000 की ओपी रहती है। ओवैसी और असरा हॉस्पिटल्स में डेली अगर 4000 आउट पेशेंट्स आते हैं तो वहां 150 रुपये ओपी कंसल्टेशन चार्जेस है। वो आपका 20 रुपये में 3 महीने वाला वर्ल्ड वाइड चैलेंज हमने उसी वक्त जीत लिया था, तो 150 के हिसाब से डेली आपको 6 लाख रुपये का सिर्फ आउट पेशेंट से फायदा हो रहा, और महाना 1,80,00,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट से आपको कमाई हो रही, जो बेशक गरीब मुसलमान आपको अपनी जेब से दे रही। कमर्शियल हॉस्पिटल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं डिस्काउंट तो कहीं एक पे एक मुफ्त स्कीम, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मुसलमानों पर एहसान कैसा? इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए हैं। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में फरवरी के महीने में 2000 इन पेशेंट्स इलाज करवाकर अगर डिस्चार्ज हुए और अपने घरों को गए तो हर पेशेंट आपको अपनी जेब से मोटी रकम भी दिया है। हॉस्पिटल के बेड से उठकर उसको घर को तो वापस जाना ही है, अगर जल्दी नहीं गया तो पेशेंट का घर और उसके घर वालों का जेवर आपके ही दारुसलाम बैंक में गिरवी रखा देना पड़ता। दारुसलाम बैंक से सूद लेके ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के चार्जेस पे नहीं करा तो पेशेंट की लाश निकलती, और वो भी पैसा दिए तक नहीं छोड़ते। एक पेशेंट का बिल कम से कम सिर्फ 50,000 भी बना तो फरवरी के महीने में आपको मिनिमम 10 करोड़ का फायदा हो गया, जो बेशक गरीब मुसलमान आपको अपनी जेब से दिए। कमर्शियल हॉस्पिटल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं डिस्काउंट तो कहीं एक पे एक मुफ्त स्कीम, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मुसलमानों पर एहसान कैसा?